स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है डिस्कस करेंगे करंट अफेयर में। जो अपकमिंग एग्जाम जैसे कि SSC JEE पुणे मेट्रो एंड सो मेनी एग्जाम्स जो अपकमिंग लाइनअप है उसमें पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपने अभी तक अगर मेरा जनरल नॉलेज का न्यू एडिशन 2021 वाला बुक नहीं खरीदा है तो प्लीज़ ख़रीद लेना, बिकॉज जिस तरह से मैंने अभी हाल फिलहाल SSC JEE का आंसर की देखा है एंड करंट अफेयर जो देखा है इससे सॉरी नॉट करंट अफेयर आई एम सॉरी कट ऑफ जो देखा है इससे मुझे लगता है GK बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके कट ऑफ में। क्योंकि आंसर की जब मेरे पास आई थी पहले भी तब उतने ज़्यादा आंसर की बच्चों ने सेंड नहीं किए थे और रिजल्ट लगने के बाद मुझे आंसर की सेंड की गई बहुत सारी। उससे पता चल रहा है कि सारे के सारे जो GK के क्वेश्चन हैं मेरे ही नोट से आए हैं और मेरी ही क्लासेस से आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप क्या करना, जो पहले खरीद चुके हैं और अभी खरीद सकते हैं वो लोग खरीद लेना और मैच करके देखना। बहुत सारे क्वेश्चन सारे के सारे ज्योग्राफी के तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन मेरे ही नोट से आ चुके हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी भी आपके पास टाइम है बुक खरीद लेना, अच्छे से पढ़ाई करना। SSC JEE के बच्चों के लिए 5 बजे एक स्ट्रैटेजी आएगी वो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो जो हिस्ट्री मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक का चाहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स तो वो 149 रुपीज़ में है। जो हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक्स जनरल नॉलेज सारा कंबाइंड चाहते हैं कॉम्बो तो वो 239 रुपीज़ में है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी यही लेना। एंड जनरल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज चाहते हो आप लोग तो वो है 149 रुपीज़ में। चलिए स्टार्ट करती है आज की क्लास। यास्मीन बतूल जो है वो पहली महिला बनी है लद्दाख से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है लद्दाख को इन आर्चरी स्पोर्ट्स इन 2020 खेलो इंडिया गेम्स में, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स 2020 कहाँ हुआ था, गुवाहाटी असम में। तो इस साल का 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है कहाँ होने वाला है, 4th एडिशन है उसका, वो कहाँ होने वाला है, वो होने वाला है हरियाणा में। और इस साल 4 ऐसे न्यू या कह सकते हो आप इंडिजीनियस हमारे जो गेम्स है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो आपको चारों भी गेम्स का नाम याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बात, ओके। तो वो गेम के नाम आपको याद रखना है, सबसे पहले तो वेन्यू याद रखो कि जो 4th एडिशन का खेलो इंडिया गेम्स हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, 2021 का, वो कहाँ हो रहा है, वो हरियाणा में होने वाला है। अगर यूनिवर्सिटी लेवल का पूछा जाए खेलो इंडिया गेम्स तो वो हो रहा है कर्नाटका बेंगलुरु, ओके। लेकिन अगर यूथ गेम्स पूछा जाए तो वो हो रहा है हरियाणा में। और इसी गेम में 4 न्यू गेम ऐड किए गए हैं। पहला है गटका, ठीक है, गटका ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन है थंगता, ठीक है, थंगता, एंड वन मोर इज मलखम, और दूसरा है मलखम जो कि महाराष्ट्र से है, एंड फोर्थ वन इज कलरी पयट टू, ओके। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होता है तो मुझे माफ़ करना, बट ये 4 गेम्स आपको याद रखने क्योंकि ये पूछे जाने वाले हैं आने वाली एग्जाम्स में, ओके बच्चों। तो यास्मीन बतूल बनी है पहली महिला जिन्होंने लद्दाख को रिप्रेजेंट किया है इन आर्चरी गेम्स इन 2020 खेलो इंडिया गेम्स, ओके। फर्स्ट खेलो इंडिया झंस्कार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बिगन्स इन लद्दाख। तो झंस्कार और सिंध नदी के किनारे ये 13 दिवसीय एक फेस्टिवल हुआ था, काइंड ऑफ खेलो स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है, कहाँ पर, लद्दाख में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये पहली बार हो रहा है वहाँ पर। और भी क्या पूछा जा सकता है कि इसे इनॉग्रेट किसने किया था, तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इसे इनॉग्रेट किया था, ठीक है। और कितने दिनों का था, तो 13 दिनों का था, इतना नहीं पूछेगा। बट हाँ, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि पहला जो खेलो इंडिया झंस्कार विंटर स्पोर्ट्स है वो कहाँ हुआ है, लद्दाख, किसने इनॉग्रेट किया है, किरण रिजिजू ने, ओके। निकोलाइस ने सारेव 100% इनके ऊपर क्वेश्चंस होगा, देख लेना किसी भी एग्जाम में, या फिर जैसे कि NTPC का मेंस में पूछ ले या ग्रुप डी में पूछ ले, SSC JEE में पूछ ले, क्योंकि ये बंदा कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है और कंट्रोवर्सी आजकल के एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा भाती है और वो लोग उन्हीं लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं जो कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये याद करना है इनका नाम, निकोलाइस ने सारेव अपॉइंट किए गए हैं मिडल एंड लॉन्ग डिस्टेंस कोच ऑफ द इंडियन एथलीट्स टीम, ओके। ये पहले भी थे अराउंड 10 साल पहले, जब
अराउंड 2008 के ओलंपिक के आसपास ही इन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट कह दी थी जिस वजह से इन्हें निकाल दिया गया था। फिर से ये वापस आए हैं एज अ कोच, तो ये पूछा जाएगा ही। इनका नाम याद रख लेना, आपको एक मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है सोफिया डिवाइन, तो इन्होंने जो है फास्टेस्ट सेंचुरी की है इन वुमेंस 2020 में। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा, या फिर क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि कौन सी ऐसी महिला है जिन्होंने स्मैश किया है फास्टेस्ट सेंचुरी इन वुमेंस 2020 का। तो वो है सोफिया डिवाइन, और ये किस नेशनलिटी कौन सी है इनकी, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है ये। ओके, क्रिस्टानियो रोनाल्डो, ठीक है। क्रिस्टानियो रोनाल्डो जो बने हैं बिग जॉइंट हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ ऑल द टाइम, इन्होंने मेसी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इनके बारे में ऐसा नहीं पूछेंगे आपको कि कौन बना है जिसने बहुत ज़्यादा गोल्स किए हैं या कुछ इस तरह से, नहीं, इनकी नेशनलिटी पूछी जाएगी आपको। तो याद रखना ये पोर्तुगीज़ है, ठीक है, ये पोर्तुगीज़ है, पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। कीवीज, अब वो न्यूजीलैंड की टीम को कीवीज कहा जाता है, तो वो बनी है पहली ऐसी टीम, ठीक है, जो टेस्ट क्रिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, तो जो बिकम नंबर वन इन टेस्ट क्रिकेट, न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन पायदान पे है पहली बार, इसीलिए ये क्वेश्चन बनेगा ही। ओके, याद रखना है आपको। न्यूजीलैंड से बहुत सारी प्लेयर है जिन्होंने नाम रोशन किया है न्यूजीलैंड का, तो आने वाली एग्जाम्स में न्यूजीलैंड रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, या शायद ट्रिटी हो वगैरह, जैसे न्यूजीलैंड ने हाल फिलहाल म्यांमार के साथ अपनी सारी ट्रिटी बंद कर दी है, ठीक है, जो मिलिट्री कूप हुआ है उस वजह से, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा पहला देश है जिन्होंने म्यांमार के साथ अपने, तो न्यूजीलैंड ऐसी पहली कंट्री बनी है, तो इसका आपको नाम याद रखना है, क्योंकि इन्होंने उसके साथ सारे टाई अप खत्म कर दिए एक साल के लिए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, म्यांमार के साथ। नेक्स्ट है केन विलियमसन बिकम द फास्टेस्ट कीवी बैट्समैन टू रजिस्टर 7000 टेस्ट रन। आपको इनका नाम याद रखना है, इनकी नेशनलिटी याद रखना है, 100% ये क्वेश्चन है कि केन विलियमसन किस गेम से बिलोंग करते हैं, कौन सी इनकी नेशनलिटी है, ठीक है, ये आपको पूछा ही जाएगा, या फिर पूछा जा सकता है कि कौन है जो 7000 टेस्ट रन बना चुके हैं इतने जल्दी फास्टेस्ट। ओके, तो केन विलियमसन, आपको ये सब कुछ याद रखना है। और जिनका भी पेपर है SSC JEE 2021 का, उनको मैं बता दूँ, आपने अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अदरवाइज आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो कट ऑफ जा रहा है वो देख कर अच्छे अच्छों को रोना आ रहा है, बहुत ही बढ़िया कट ऑफ है। और जब तक आप पूरे सब्जेक्ट क्लियर नहीं करते हो, जैसे कि टेक्निकल नॉन टेक, तब तक आप पास नहीं होगे। मे बी आपको ये हार्श लग रहे मेरे वर्ड्स, बट इट्स रियलिटी। डू योर वर्क सिंसियरली, रिवाइज एटलीस्ट 7 to 8 times ईच सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।